जी सलाम वालेकुम। हाँ सर, अभी आपके कुछ कमेंट्स आए हुए हैं टिकटॉक के ऊपर, उन सब का मैं आंसर करता हूँ बारी बारी। सबसे पहले है आपका ज़्यादा जो कमेंट आया है मुझे, लिबर एप्लीकेशन, आपने लिबर में फोन की एप्लीकेशन की हुई है या वन ईयर बैन का किया हुआ या कैंसलेशन का, लिबर कैंसलेशन का आपने एप्लीकेशन किया हुआ है। लेबर सिस्टम ना मैं स्लो कह सकूँ ना मैं फास्ट कह सकता हूँ, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और एक दो ने बोला कि भाई मुझे 45 दिन हो गए हैं, किसी ने 50 दिन हो गए हैं। ब्रदर, लेबर का नंबर आप सबको मैंने बताया हुआ है, लेबर पे हर 2 दिन बाद कॉल करके फॉलो अप लाजम करो। बिल्कुल ये नहीं है कि 15 दिन बाद कॉल करनी है तो 15 दिन आप वेट करोगे, हर 2 दिन बाद कॉल करके आप फॉलो अप उनसे लो लेबर से। सेकेंड नंबर पर ज़्यादा मैसेज आए, मैं कॉल का आंसर नहीं करता। ब्रदर, मैं कॉल का किसी का भी आंसर नहीं करता। वजह क्या है, काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स इधर भी आते हैं और काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सएप के रिप्लाई भी होते हैं, उनको भी देना होता है जो आप, और इधर हमारे सेंटर के अंदर जो काम होता है मुझे वो भी देखना होता है, ठीक है। इसलिए मैं कॉल नहीं उठाता और व्हाट्सएप का आंसर सबको मिलता है। लेकिन मसला क्या है, आप सिर्फ वो कर रहे हो मुझे क्या कहते हैं, वॉइस मैसेज कर रहे हो या कुछ टाइप करके कर रहे हो। मैंने क्या बोला है, मुझे सिर्फ वीज़ा पेज पासपोर्ट पेज सेंड करो, मेरा सिस्टम खुद मुझे बताएगा कि आपका क्या मसला है। उसके बाद एक दो ऐसे मैसेज आए कि भाई किस सिटी का करते हो आप, मैंने हर बार यही बोला शारजा, दुबई, अजमान, अबू धाबी, इन सब सिटीज़ का मैं काम करता हूँ। और मैं नहीं करता, हमारा सेंटर आपको इन सब सिटीज़ की और अलैन सब सिटीज़ की यानी कि पूरी सर्विसेज आपको मिलेंगी, अबू धाबी, अजमान, शारजा, दुबई, अलैन। और आउटपास पे जो आपने बोला कि आउटपास पे जो गए हैं उसका मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, माजरा सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ। जिसकी वजह से मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका क्या हुआ कि पता नहीं मैं कितने बताऊँ आपको कि कितने लोगों के मुझे मैसेज आए हैं कि भाई साहब हमारा काम कर दो, ये पैसे ले लो, ये काम कर दो, वो काम कर दो। मैं किसी से ना पैसे लिए ना मैं काम करूं, मैं सिर्फ कोशिश करूं, मुझे अभी तक कोई फाइनल आंसर नहीं आया। उसके बाद आउटसाइड, आउटसाइड लोग जो गए हुए हैं सेम ये होते हैं, डिपोर्ट वाले होते हैं, पास वाले होते हैं, या किसी रीज़न से या स्कोरिंग की वजह से अपनी कंट्री में स्टक हो गए हुए हैं, मेरे सिस्टम में उनकी कोई डिटेल नहीं शो करेगी, ठीक है। और यस बॉस, मेरे सिस्टम में उनका कुछ भी नहीं शो करेगा, ठीक है। वो आपको वेट करना पड़ेगा। कोंडा 3 कोंडा 2 डायरेक्ट। तो इधर ऐसे भी चलता है कि कस्टमर आ जाते हैं उनको भी टाइम देना पड़ता है। अच्छा, यानी कि आउटसाइड वालों का भी मेरे पास से ऑप्शन होंगे, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होंगे, लेकिन मैं अभी इतना बिजी हूँ दूसरे केसेस के अंदर, आपका ओवरस्टे फाइन है, एब्सकॉन्डिंग है, विजिट वीजे के ऊपर है, रेजिडेंस वीजे के ऊपर है, मेरे वो ही नहीं मेरे पास वो केस ख़त्म हो रहे, इस वजह से मैं अभी दूसरे किसी केस के ऊपर नहीं ध्यान दे पा रहा, तो ये सारा सीन है। उसके बाद आपने बोला लोकेशन, लोकेशन है क्वालिटी केयर मेडिकल सेंटर बिल्डिंग, थैंक यू, रश लग गया था। अच्छा, लोकेशन का आपको मैं बता रहा था कि लोकेशन है अबू धाबी सिटी, क्वालिटी केयर मेडिकल सेंटर बिल्डिंग, ये लैंडमार्क कह सकते हो आप इसको, जब गूगल मैप के अंदर आप लिखोगे क्वालिटी केयर मेडिकल सेंटर बिल्डिंग, सेम बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर, ये कॉर्निश पार्क भी है इधर और WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मॉल भी हमारे नज़दीक है, ठीक है, लेकिन लैंडमार्क है क्वालिटी केयर मेडिकल सेंटर बिल्डिंग। उसके बाद आ गया मेरा, आपको पता है टिकटॉक का कौन जो उनसे वायलेशन काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, उसका रीज़न आप सबको पता है, जेलिसी कह सकते हैं उस चीज़ को, तो टिकटॉक को म्यूट करना होगा, कर दीजिएगा, नहीं करना होगा तो फिर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना, करना ज़रूर है। तो न्यू अकाउंट भी मैंने बनाया हुआ है, न्यू अकाउंट आप सबको पता है हसन अर्शद नाम है, उस अकाउंट के ऊपर मैं फिर भी मैंशन कर दूँगा, वो टिकटॉक न्यू अकाउंट बना रहा हूँ, क्योंकि ये अकाउंट मुझे नज़र आ रहा है कि वायलेशन डेली की रिपोर्टें आ रही हैं, तो कभी भी ये टिकटॉक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, तो वो न्यू अकाउंट बनाया उसको चेक कर लीजिएगा। उसके ऊपर लाइव इसलिए नहीं आ रहा कि 4000 फॉलोअर चाहिए मुझे, अगर आपने करना होगा कर दीजिएगा। उसके बाद यूट्यूब का आपको पता ही है, टिकटॉक के प्रोफाइल में जाएंगे, यूट्यूब का लिंक होगा, क्लिक कर दें, अगर टिकटॉक बंद हो गया तो फिर मैं यूट्यूब के ऊपर आऊँगा, ठीक है ना। यूट्यूब को इंशाल्लाह वो चलते ही रहेगा, उसको वायलेशन का नहीं इतना होता, क्योंकि YouTube की अलग पॉलिसी है, TikTok की अलग पॉलिसी है। TikTok वाले कहते हैं भाई वायलेशन आएगी तो हम वार्निंग देते हैं, फिर ब्लॉक करते हैं। YouTube वाले ऐसा नहीं करते, वो वेरिफिकेशन करते हैं वीडियोज़ की पहले, कि भाई क्या गलत बोला है या क्या सही बोल रहा है, क्या चीज़ है वो चीज़। अभी इधर से कॉल भी आ गई, मैं कॉल भी साथ साथ उठाऊँगा।